वार करता हूँ मैं, धरती धस जाती है काली के नाम से, जिस जगह पैर अपना धरता हूँ। तो अच्छा डाबू काली तुम ही हो निडर, अच्छा तो डाबू काली मेरी बेटी मुझसे सुबह जद लेके चमन घूमने गई, लेकिन अभी तक नहीं आई, बताने क्या बात है। बंधु बता, बहुत गजब हो गया। क्या बात है मंत्री जी, इतना घबराई हुई क्यों? बात ही कुछ ऐसी है राजमाता, जो कि आपको मैं घबराया नजर आ रहा। क्या बात, साफ साफ बताइए। तो सुनिए, ले गया राजकन्या को डाकू था, लग गया दाग नागौर की साल पर, मेरी महारानी कोई यतन कीजिए वरना धब्बा लगेगा के नाम पर। चमन से राजकुमारी रंभा को कोई डाकू उठा ले गया। मेरी बेटी को डाकू उठा ले गया। हाँ हाँ राजमाता। मंत्री जी देर करने का वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके सरहद से सेनापति को बुलाया जाए। जैसी अगर सुनीलाल सेनापति मंत्री को फोन करो और उसे कह दो कि बार चलकर बहुत जल्द राज दरबार आए, राजमाता इंतजार कर रहे हैं। ठीक है लम्बरदार, लम्बरदार सेनापति जी का वही पुराना वाला नंबर है। ठीक है, ये मैं मिला रहा हूं 75 23 89 29 33, ये नंबर लगा दिया और ये नंबर लग गया। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन सर? मैं राज दरबार का सिपाही चुन्नी लाल बोल रहा हूँ। बोलिए चुन्नी लाल, क्या बात है? सर आपको राज दरबार में राजमाता ने याद किया है। राजमाता? हाँ। दरबार में मुझे याद कर रही हैं? हाँ सर। कोई जरूरी काम है? हाँ हाँ सर, कोई जरूरी ही काम है। अच्छा, और आप शीघ्र आए, बाकी बातें फोन पे नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हमारी शक्ति जरूर शाही दरबार में है तो मैं अपने नौजवानों को अलर्ट करने के बाद शीघ्र ही शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूं। हाँ सर। ओके ओके सर। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, क्या बात है? सबके चेहरे पर उदासी है। राजमाता सिंहासन पे बैठी रो रही हैं, मंत्री भैरव सिंह अपना सर झुकाए हुए खड़े हैं, और दरबार में चुन्नी लाल सिपाही तू भी अपना सर झुकाए हुए खड़ा है। कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से इस शाही दरबार में शोक सन्नाटा छाया हुआ है, इस उदासी का कारण मैं राजमाता से स्वयं पूछूंगा। राजमाता, आंखों से आंसू छलकने का कारण मैं जानना चाहता हूं। कुछ तो बोलो, ये मां क्यों पिकल हो रही? कुछ तो बोलो, ये मां क्यों पिकल हो रही? आंख से आंसुओं की नदी बह रही, कौन सी विपदा पड़ी जो इस कदर बुधार हो, तो पता खा दिन
से अपनी दूर सब जंजाल हो, मौन क्यों हो ना मुझसे कुछ कह रही, मौन क्यों रही, आँखों से आंसुओं की नदी बह रही। बताएं राजमाता, रोने का कारण क्या है? सेनापति, जिस बात का डर था वही बात हो गई है। राजमाता क्या हुआ? मैं तो जानू किस सोच में तुम्हारी ये हालत बनी हुई है, आप बताएं मुझसे क्या हुआ। याद आता है रे रे के अपना बता, दरम्यान में सान शौकत मिट गई नागौर की। पति होते तो पड़ती नहीं मत कभी, पति होते तो पड़ती नहीं मत कभी, पति बिना नारी की से। नफजी, आज मेरी बेटी को न जाने कौन डाकू चमन से उठा ले गया, उसकी रक्षा करो। अगर मेरी बेटी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं राजमाता, ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान में मत लाइए, धैर्य से काम लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। इतनी बड़ी घटना इस नागौर में घट गई, राजकुमारी रंभा का अपहरण शाही चमन से किसी डाकू ने कर लिया, इतनी बड़ी हिम्मत किस डाकू में हो गई जो कि नागौर की शान में धब्बा लगा दिया। मंत्री भैरव सिंह, जिस वक्त रंभा का अपहरण हुआ उस वक्त तुम कहां थे? इसी बात को तो दुख अमर सिंह, अगर उस मौके पर हम थे तो साले को दबला के गोली मारते। सेनापति अमर सिंह, उस वक्त हम प्रजा भ्रमण में थे। हाँ हाँ, प्रजा भ्रमण में थे। अच्छा, ये मंत्री जी प्रजा भ्रमण में थे? अच्छा, मौका पाकर के कोई डाकू शाही चमन से राजकुमारी जी का अपहरण कर लिया, जिस सोच में राजमाता विकल हो रही है क्योंकि इनकी आंखों की ज्योति कलौत की बेटी है। आज बेटी का अपहरण हो गया, जिस सोच में आंसू बहा रही आंखों से। राजमाता आप चिंता न कीजिए, जब तक ये आपका वफादार सेनानायक अमर सिंह मौजूद है तब तक हम आपको चिंतित नहीं होने देंगे। आपकी बेटी को उठाकर रह गया, शान में धब्बा लग गया है, लेकिन राजमाता घबराए नहीं कि जा रहा लाने अभी मुझको कसम ईमान की, और वार चल सकता नहीं पाजी मेरे कृपान की, कि छुड़ा रंभा को जाकर लाऊं अभी। जाइए सेनापति जी, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को मेरे पास लेके आइए। आप बिल्कुल चिंतित ना होइए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, उस कमबख्त डाकू को मिटाकर आपकी बेटी रंभा को छुड़ा करके लाऊंगा। और हाँ, अगर मुझे कहीं ये पता चल गया
कि राजकुमारी रंभा का अपहरण कराने में इस नागौर के अंदर किसी का हाथ है। राज्य माता उसके लिए भी खैर नहीं है, समझ लेना। वही डाकू को तो चाहे बादल में पकड़ो, ओका चाहे बादल में फांसी दे, अगर पता लाग जाए जो राजकुमारी जी के अपहरण करवाए हो तो उसका सारे का पकड़ के लाओ राजमाता जी के पास, और राजमाता जी के पास लाई के और ओका बैठा के ओकरे ऊपर ईटा धाय के और 50 जूता मारो सारे। तेरा भी सोचना सत्य है। हाँ साहेब। लेकिन अगर पता चल गया कि किसी ने अपहरण करवाया है, हाँ साहेब, तो समझ लो उसके लिए भी खैर नहीं है। राजमाता, जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बेटी को छुड़ा कर लाऊंगा। जय सेनापति, इजाजत है। जय श्री आज्ञा। हेलो, आ गए लड़का के बाबा BDC, उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद मात्री जी, कुछ सिपाहियों को ले लो और तुम भी जाओ रंभा का पता लगाओ। चले आपको हम पहुंचा। हाँ चलो राजमाता जी, हम आपको। ए तुम ही है। क्यों इतनी बड़ी हिम्मत? क्या कहा, डाकू को बाद में मारना? अगर यह पता चल जाए कि राजकुमारी जी का अपहरण किसने करवाया है तो उसको राजमाता के सामने बिठा के 50 जूता मारना। सही कहा था, 50 जूता। साले मुंह में डाल दूंगा, अपहरण मैंने करवाया। बोल। हाँ मुल्ला। तो मुल्ला नहीं साले, खबरदार मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाना। नहीं ना उठाओ बाबू, नहीं तो साले काट कर रख दूंगा। ना ना उठाओ। गया हसाला वो अमर सिंह, बीहल गया है लेकिन बीहल से जिंदा लौट कर नहीं आएगा। बल चूहे पर मेरा दोस्त भयंकर सिंह इसे मार डालेगा और राजकुमारी रंभा भैरव सिंह के बाहों में होगी। तो यह भैरव सिंह फैसला कर चुका है कि हे राजकुमारी रंभा, शादी तुम्ही से रचाऊंगा वरना कुंवारा बन जाऊंगा। तुमका साले कुंवारा ही मरे के है, तुम्हार साले शादी हुई, हम यही दरबार में रही देखब कैसे तुम्हार शादी हुई। ए आगे हमारे श्रीमान जी घर मालिक साहब, चलो देखी तो तुम्हार शादी कैसे होता। अरे चली नहाई बदे गंगा हतार गाड़ो, चली नहाई तो हरे। आ गए BDC की तरफ से 500 की नोट में 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर से। धन्यवाद साथियों, ले आओ शराम खोर को। जोया सिंह और हंसा, अब कुछ देर के लिए मुझे अकेले तन्हाई में छोड़ दो। अब इसको हवाले बाद में करेंगे, सबसे पहले इसकी जवानी का रस हम पिएंगे। हरामखोर मुझे छोड़ दे। छोड़ दूं? मुझे मेरे महल जाने दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूं। राजकुमारी, हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा कहना मान ले,
मैं तुझे हमेशा के लिए रुख्सत कर दूंगा। ये हरगिज नहीं होगा। नहीं मानेगी कमीने, मुझे बचाने के लिए मेरा भगवान आएगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी आएगा, भयंकर सिंह के सामने तेरा भगवान आएगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका, जो अपनी रक्षा नहीं कर सका तो तेरी रक्षा कैसे करेगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। मेरे मुंह में अभी पड़ जाए कोई फर्क नहीं है, और हमारी बात को मानो और मेरे सीने से लग जाओ। अभी नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, और ऐसी हालत करूंगा ना कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ सुहागरात में नहीं। हेलो कर रहे हैं रंभा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हौसले कभी पूरे नहीं होंगे। पूरे किसी का बड़ी हिम्मत जो राजकुमारी रंभा को अपहरण करने की पड़ गई। यही समझ बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गलत समय पर आया है। अरे क्या गलत समय पर आया हूं, और सुन हमारी बात। और क्या पति कर लिया और सब बना बनाया। यही समझाओ बैकुंठ एक बीता बाकी रहेगा है। समझ रहा हूँ कि बैकुंठ एक बीता बचा है। कहने का मतलब कि थोड़ी देर और नहाते थे बैतरणी पार हो जाता। अरे हराम खोर, सबसे पहले तो ये बता तेरा नाम क्या है। हाँ कौन है तू जो इतनी बड़ी शाहत तो इतनी बड़ी हिम्मत नागौर के शाही चमन चमन में जाने की। मेरा नाम नहीं जानता। मेरा नाम नागौर बिजनौर में सब लोग जानते हैं, तुम मेरा नाम ही जानता। हमको तो नहीं मालूम कौन है तू, अपना परिचय दे। ए, क्या नाम है? नाम सुनोगे ना मेरा तो पॉइंट में मूत मारोगे। नाम सुनेंगे तो पॉइंट में मूत मारेंगे। अच्छा जरा नाम तो बतवा कि हम पॉइंट में पेशाब कर देंगे। क्या नाम है? सुन हमारी बात को। भयंकर सिंह वल्द दयंतर सिंह, भयंकर सिंह वल्द दयंतर डाकू भयंकर सिंह। हाँ बेटे का नाम भयंकर, बाप का नाम दयंतर। बड़े अच्छे बाप का बेटा है, है? और कहा कि अभी नाम सुनोगे तो पैंट में मुंह तो मारोगे। जरा देख कहीं पैंट गीला नजर आ रहा। अब ना मुंह तो ना मुंह तो अरे पानी उठा के डाल दे।
हरामखोर कहेगा। ये नाम आज पहली बार मैंने नहीं सुना, ये नाम तो काफी दिनों से सुनता चला रहा हूं कि नागौर और बिजनौर के मध्य जो घना जंगल है उस जंगल में डाकू भयंकर का ग्रोह रहता है, जिसके भय से नागौर और बिजनौर की रियाया हर वक्त दहशत में रहती है। एक खास बात और बताना चाहता हूँ, मुझे काफी दिनों से तेरी तलाश भी थी, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था, पूरी भी हो, आज ऊपर वाले ने अच्छे मौके से मिला भी दिया, और मिलाया तो वो भी राजकुमारी रंभा का अपना भयंकर सिंह के सामने। भयंकर, तूने राजकुमारी रंभा का अपहरण किया है, किसके सामने बातें कर रहा तू, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम कि तेरे सामने कौन आया हुआ है, अपना परिचय मैं भी तुझे दूंगा। भयंकर, तेरे सामने कोई और नहीं, नागौर की शान, नागौर की शान, नागौर की सेना का अफसर सेनानायक अमर सिंह, राजकुमारी रंभा का अंगरक्षक। ओहो, तुम ही हो इसके अंगरक्षक क्या? अरे वहां रे, तूने राजकुमारी रंभा को अपहरण किया है, समझ ले तूने अपनी मौत का बुलावा दिया है। भयंकर, अब तक तो जो तूने करना था कर लिया, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो तुझे करना है। हाँ, आपका राज है क्या? वही समझ, और करना क्या है मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन। कि मांग करके क्षमा, मांग कर दे रिहा, मांग करके राज कन्या के संग तूने कैसा किया, आज जिंदा बचेगा नहीं बचेगा। भयंकर, इसी वक्त रंभा के कदमों में अपना सर झुकाकर माफी मांग, अपने किए की माफी मांग, राजकुमारी के कदमों में अपना सर डालकर माफी मांगू। ये भयंकर सिंह का सर है, और भयंकर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तेरे डराने से डर जाए। अगर मैं चाहूँ ना किसी बिहार में तेरी कब्र बना सकता, और इसकी तो ऐसी हालत करूंगा ना कि देखने वालों की रुक। ये सोचना भूल जा भयंकर, ये सोचना अपने दिल से बिल्कुल भुला दे कि तू तेरे सामने कोई और खड़ा है। मरने जीने की परवाह नहीं है, अपनी जान अपनी हथेली पर रखकर आया हूं, और रंभा के लिए मिट जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ लौट कर नहीं जाऊंगा। भयंकर, माफी नहीं मांगेगा तो तेरी मौत आ गई है। हाँ, मौत आ गई है, और के अंदर कोई ऐसा माने, कोई ऐसी माने बेटा नहीं जन्मा जो भयंकर सिंह का रास्ता रोक सके और भयंकर सिंह को मार सके। बात नहीं है, माने कोई बेटा नहीं जन्मा है, इसी धरती पर एक से एक लाल पैदा है सूरवीर योद्धा, जो कि भयंकर नहीं तेरे बाप दयंतर को भी मिटा सकते हैं। और नहीं भयंकर की बात तो आत्र सामने सेनानायक अमर सिंह तुझे चैलेंज करता है, अगर है असल छत्री, क्योंकि भयंकर सिंह कहलाता है, अगर है असल छत्री और तेरे जिस्म के अंदर छत्री का लहू दौड़ रहा है तो कसम है तुझे, कसम है तुझे, एक बंदूक और उठा ले शमशीर, मैं तुझे चेती। अरे तंबक, भयंकर सिंह छत्री नहीं, क्या चमार पास समझा है? अरे भयंकर सिंह छत्री है और मुझे चैलेंज करता है। अच्छा अमर सिंह, तेरी चुनौती मुझे कबूल है, तेरी चुनौती मुझे कबूल है, और तुझे तू धमकी देता है। हाँ, मैं तुझे, अरे भयंकर सिंह के भुजाओं में तीमक नहीं लगा, भयंकर सिंह अगर तू मुझे चुनौती देता है तो उठा शमशीर।